आगे श्री गोवर्धन जी की मंगलमय लीला है। उसने देखा कि कार्तिक मास में गोवर्धन की गिरिराज महाराज इंद्र की पूजन होती थी, विशाल यज्ञ था, पूजन की तैयारियां बहुपागतः किम फलम किम चाद्योषा केन वा साध्यते मका। कत्तताम में पिता को यम संभ्रमो वा उपागतः किम फलम कस्य चोद्देशा केन वा साध्यते। ये यज्ञ किस लिए हो रहा है? का बेटा ये इंद्र का पुढ़ाल मत चलाओ, फिर आप काम कुछ मत करो, सब इंद्र की कृपा से अपने आप होने दो। तो गोप ग्वाल वालों ने पूछा, नंद बाबा ने कहा कि बेटा तू कहना क्या चाहता है? साथ कर्म में ही जीता है, कर्म में ही पर्यवसान पा जाता है। अगर कर्म नहीं करोगे तो इंद्र भी आपको सुखी नहीं बना सकता। इसलिए व्यक्ति को अपने कर्मों पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो आखिर बेटा तेरे पूजा को जो देवता हमारे प्रत्यक्ष क्षण की हम पूजा करते नहीं। और फिर ठाकुर जी ने इंगित किया कि जो गिरिराज जी हैं 21 किलोमीटर के गिरिराज जी, ये हमारे देवता हैं, इनसे झरनों से जल मिलता है, यहाँ गायें विचरण करती हैं, फल इनसे प्राप्त होते हैं और काष्ठा इनसे प्राप्त होती है। और ये गिरिराज जी महाराज साधारण नहीं, साक्षात ठाकुर जी के स्वरूप है। जब राष्ट्र श्री नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर ने निर्णय लिया कि धरती पर जाना है, राधा जी से पूछा तो राधा जी ने कहा कि बिना गिरिराज जी के हम धरती पर जा ही नहीं जा सकते। और तब राधा रानी जी की इच्छा से ठाकुर जी की करुणा के आंसू निकले, वो राधा रानी जी के वक्षस्थल को स्पर्श करके द्रोणा